रात को बैग क्यों पैक करके रखता है बेटा तू? दिमाग से निकल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। पढ़ने के लिए बैठा तो रहता है इतनी देर के लिए। पानी की बोतल रखनी है और कुछ डालना ही। तो अच्छा, तो मेरी बात सुन, पेपर को ध्यान से करके आइयो रोज, ठीक है? जो आता होगा ना वो पहले करियो, ठीक है? और घर पे आते सबसे पहले मुझे कॉल मैसेज डालियो। चल ठीक है फिर, चल फिर देर हो जाती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस जस्ट मैं अभी ऑफिस के लिए निकलने वाली थी और रौनक भी स्कूल में चला गया था क्योंकि उसको मैं छोड़ आई थी। सुबह बारिश हल्की हल्की हो रही थी बट फिर बाद में मौसम साफ हो गया था, पर धीरे धीरे करके मैं छोड़ आई उसको कि लेट ना हो जाए क्योंकि एग्ज़ाम था उसका, आज हिंदी का पेपर था, तो इस वजह से छुट्टी का तो सीन बनता ही नहीं है गाइस इस करके। तो बस मैं भी थोड़ा सा काम मेरा रहता है, ऊपर ऊपर का एक दो काम रहते हैं, बस मैं वो फिनिश करूँगी और मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस। जैसे आप देख सकते हो मैंने पहनी है कुर्ती और साथ में सूट ही गाइस, थोड़ा हल्का फुल्का गुल्ला गुल्ला थोड़ा सही लगता है। और बस मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ स्कूल से, अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं मतलब, और इतनी गंदी बारिश हो रही थी पूछो मत गाइस, पूरा पानी भर चुका गली में, हर जगह पानी भरा हुआ था। तो मेरा ना भाई आया नहीं था, जो मेरा भाई है ना कज़न, वो आया नहीं था, तो मेरे को रिक्शे से आना था, रिक्शा कोई मिल ही नहीं रहा था, सारे पहले ही भर गए तो सारे चले गए। मैं वापस ढूंढ रहा था, मैं आगे जाते जाते पूछ ही रहा था मैं जब भी अगर मेरे को कोई रिक्शा दिख रहा था, लेकिन कोई बिठाने को तैयार ही नहीं था, तो मेरे को पैदल जाना पड़ा पूरा रास्ता। पूरा रास्ता मैं गीला होकर आया हूँ, मेरी बुक्स भी गीली हो गए, पैसे भी गीले हो गए, आपको दिखा। देखो मेरी सारी बुक्स गीली हो चुकी है, हाँ इसको छोड़ के बाकी सारी गीली है मेरी, इतनी लेकर गया था मैं क्योंकि मेरा टेस्ट था ना, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। ये भी गीली है, पूरी ख़राब हो गई, अब इसको मैं पंखे के अंदर सुखाऊंगा। और मेरा अब अगला टेस्ट है आईटी का, और इसकी भी कॉपी गीली हो चुकी है भाई। और गाइस यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं, यहाँ पे पैसे सुखा रहा हूँ मैं क्योंकि ये भी सारे गीले हो चुके हैं। जी हीरोइन कोको को बुला के लेके आओ ऊपर से। चलो भैया ये रोटी तो किसी तोड़ी है? ये मैंने तो थोड़ी है। अच्छा आपने तोड़ी है, तो ऐसे क्यों तोड़ के रखी हुई है? इसको मिक्सी में क्रश करूंगा। अच्छा मिक्सी में पीसना है, क्रश करके। हाँ ये पत्ते पत्ते थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा इनका पॉच पड़ा वो डालेंगे, मिक्स कर देंगे बस। अच्छा तो कर दो ना, क्या ठंडी तो होगी वैसे। हाँ तो कर दे, क्रश कर दे। अच्छा क्रश कर दे, जो एक दो पॉच है ना। हाँ एक एक ही पर डालियो। अच्छा वो जो बासी चिमटा था ना। हाँ। वो उसने क्या किया, वो इसे वो डाले को छोड़ दिया है, वो दूध या मलाई या ऐसे कोई चीज उसमें खा रहा है। अच्छा दूध जो खाता है वो पाके पाउच पाके नहीं खाता? पाउच पाके खाएगा वो, उन्हें स्पेशल दूध देना पड़ेगा, मलाई देनी पड़ेगी। अच्छा तो उन्हें रख तो पाके दोगे फिर? रख तो बनेगा। अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो ललता हाँ इन्हें एडमिट कर लेता? एडमिट कर लिया। अच्छा तो कोई रिपोर्ट वगैरह अभी तो दसी नहीं है ना? नहीं रिपोर्ट शमी आई है ना। अच्छा आज आ गया सैटरडे, हम कल डॉक्टर आएगा? नहीं नहीं डॉक्टर कल ही रूट से आएगा। अच्छा तो संडे इक रूट से आंदे ने, कल रिपोर्ट पढ़े पूरी दसेगा कि प्रॉब्लम है की प्रॉब्लम नहीं है की नहीं आएगा। अच्छा बाकी वो रिनन ललता निकलेगा ना। छुट्टी कर देंगे दो चार लिख देंगे आपको ये दवाई 4 महीने खानी है, 5 महीने खानी है, 6 महीने। चला आएगा कि ट्रीटमेंट शुरू हो जाए टाइम से ना, दवाइयाँ लिख के देंगे फिर सही हो जाएंगे। जो टेस्ट आएगा ना जो है चेस्ट ब्लॉक जो है रेशा वगैरह मतलब ब्लॉक हो गई है
पर वीकनेस ही बहुत ज्यादा आ गई है। बिग बॉस तो आने तो बाद मेरे ख्याल आज हफ्ता दस ही हुए ने कालो कुछ हाँ तक दे भी मारे गए करण। अब आप जब सुबह जा रहे थे अपना ऑफिस, मेरा गला खराब हो गया लगता है। हाँ तो पानी मत पियो। अरे बारिश की वजह से हुआ, बारिश में आ रहा था ना तो भीगे हो ही जाता है, शरीर टूटने लग जाता है, फीवर जैसा फील होता है। हाँ तो होते ही सिम्टम्स वैसे वैसे पता ही। चाय बना देना गर्मा गर्म। चाय तो बना दूंगी अभी, खाना खा अदरक वाली। अभी 9 बज रहे हैं तो क्या हो गया बनाना? अभी रोटी बना रही हूँ फिर मैं चाय बना दूंगी। रोटी में क्या बनाओगे? रोटी में तो मैं बनाओगे कुछ नहीं। सुन मैं पनीर लेके आई थी, मैं तो अपने लिए बनाऊंगी पूरा चीरा बनाऊंगी, वो बोल रहा ना सूजी का चीरा। मैं भी वही खा लूंगा। नहीं इतना नहीं बैटर खोल रखा, मैं कल का खोल रखा है, वो मेरे लिए है सिर्फ। तू रोटी खा चुपचाप से, आटा लगा दिया मैंने। और बड़े पापा बोल रहे थे कि उसने सरिता उसने कोफ्ते बना रखे हैं, तो अब ललता पापा चली गई हॉस्पिटल में, चीरा भी चली गई है, तन्नू भी नहीं है घर में, तो अभी तू वो ले लियो। यार मेरे को कोफ्ते नहीं पसंद। अब तो खा ले सुबह तेरा पनीर बना दो, पनीर लेके आए रखे, पनीर का पराठा बना दो। चल मैं देख लेती हूँ, रहन दो यार। तो अभी वो मैं पैर मत हिलाया करो, मम्मी के पैर ऐसे हिलते जैसे वो नहीं होता वो गाड़ी के आगे वो लगा होता है क्या कहते हैं विंडशील्ड क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ गाड़ी साहब वाइपर जो होता है डंग 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 डंग, देखो 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 गाइस। हाँ कोई बात नहीं। तो गाइस आजकल चल रहा है मम्मी का डाइट प्लान, पूरा अभियान पूरा अभियान। हाँ तो गाइस मम्मी डाइट में खा रही है अपना पूरा। अय है अय है मत, आराम से करो आराम से, गुस्सा नहीं निकालना। अभी अच्छा सा बना था, जैसे ही मैं कैमरा लेकर आया मम्मी से गड़बड़ हो गई। कोई ना अब ऐसी एक्सपेरिमेंट। अरे क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? खुद बना रहे हो? खुद का बना रहे हो? देखो कितना बढ़िया बना है। वैसे बात तो यही है, अब पेट में जाके तो अपने आप घुल जाएगा, ऐसे ही खा लो। पेट में जाके टूटना ही है, वही तो कह रहा हूँ मैं अभी। पर जो पहले बनने में वो दिखाती हूँ, रुको ये देखो, ये पहले बना था, ये इतना परफेक्ट बना है। हाँ ये बिल्कुल सही बना है, मैं जैसे कैमरा लाया सारी गड़बड़ हो गई। चिपक ही गया पता नहीं कैसे साथ में, पर ये वाला नहीं चिपका था पहले वाला। ये सही लग रहा है, परांठे ही लग रहा है वैसे, थोड़ा हल्का रहता है। सही बात है खाने में। कोको भी चौकीदार से परेशान हो रखी है, कोको भी देख रही है कहाँ पे कहाँ पे। कोको हमें भी दिखा, गाइस 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 एक सेकंड, जल्दी 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 जल्दी। अरे गाइस भाग जाए, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। अरे गाइस बोरा 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 गाइस दिखा, वो निकल लिया। तो गाइस आज हमने चौकीदार को पकड़ ही लिया है ना, डर नहीं लगा तेरे को? शर्म नहीं आता? इतनी रात को से बाहर घूम रही है, भोंकी जा रही है, गलत बात है, बैठ जा शांति से। इसके बाल है कितने मस्त लगते हैं, एकदम फरी फरी, ये कॉटन लगता है कॉटन है। बकरी है तू, वो क्या कहते हैं भेड़ होती है ना, भेड़ शीप। मुझे हड्डी दे दे अपनी, हड्डी 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 दे दे, मुझे हड्डी दे दे। अरे मेरा हाथ खा जाएगी हड्डी के चक्कर में, 5 हड्डियाँ एक्स्ट्रा मिल जाएगी इसको। दे दे पूछी, दे दे दीदी नहीं देगी, अगर मैं थोड़ा सा भी हाथ आगे करूँगा खा जाएगी मेरा हाथ, तो उससे पंगे नहीं लेते चाहिए। मम्मा परेशान क्यों बैठे हो, चाय बना दो दी। नमक डल गया क्या चाय में? पागल है क्या? अच्छा मूड अच्छा नहीं है जरी। क्यों? बड़े पापा भी परेशान हो रखे हैं बेचारे ललता मम्मा की वजह से। तबीयत ठीक नहीं ना? हुआ क्या उन्हें? वो आज टेस्ट हुए ना, कल रिपोर्ट में आएगा। अच्छा कल डॉक्टर राउंड पे आएगा तो बताएंगे क्या दिक्कत है क्या दिक्कत, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे उनका। तो आज बताया नहीं कुछ भी? नहीं आज नहीं बताया, मतलब आज टेस्ट हुए सारे के सारे, बॉडी टेस्ट हुए सारे, अल्ट्रासाउंड वगैरह वो सब चीजें हुई हैं। अच्छा तो कुछ आईडिया नहीं है? नहीं अभी कल पता चलेगा। अच्छा। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू होगा, अभी तो मतलब वो नेबुलाइजर वगैरह ले रहे हैं थोड़ी की। हुआ क्या मतलब छाती वाती में दर्द? मतलब देखो क्या पता लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, खींच खींच कर। हाँ अब जीना बेचारी वहाँ बैठी हुई है हॉस्पिटल में, देखूंगी कल जाके ना, अगर ऑफिस जल्दी निकल गई ना मे बी, तो मैं जाते हुए वो कराऊंगी वहाँ सर, मतलब चक्कर मार के आ जाओगे। हाँ बालाजी हॉस्पिटल। अच्छा तो कितना मतलब सुबह सुबह?
क्या सुबह सुबह जाऊंगी बेटा? अच्छा शाम को, ठीक है शाम को जाऊंगी, तेरे को कॉल कर दूंगी एक बार ऑफिस से ना, ठीक है? अगर तुम्हें जाना होगा तो मैं तेरे को कॉल कर दूंगी, ठीक है? तो फिर मैं तेरे को बता दूंगी ऐसे करके, ठीक है? हो जाएंगे, हाँ हाँ ठीक तो हो जाएंगे, मतलब कोई परेशानी, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं, 10-15 दिन से परेशान है, कितने दिन हो गए वैसे, रोज मतलब ऐसे ढंग से बना भी नहीं पाते खाना, सांस नहीं लिया जाता, सांस नहीं लेती, मेरे को जरा सा नाक बंद हो जाए सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है, मेरे एक बार नाक बंद हो जाता है उसके बाद पूरी रात सो नहीं पाता हूँ, वही तो कितनी परेशानी होती है हर बंदे को यार, सांस लेने में दिक्कत होना बहुत बड़ी परेशानी, सांस से तो हमारी सांसें चल रही है, ठीक होके आ जाए बस इतना ना। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत यही करते हैं, कल मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए आप सबके लिए प्यार भरी हमारी गुड नाइट, और प्लीज उनके लिए प्रे भी करना चाहता हूँ मम्मा के लिए कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, उनके लिए मैसेज करना कमेंट बॉक्स पे कि कैटल सुन कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए वो और आराम से हमारे घर पे आ जाए और दिक्कत की परेशानी खत्म हो जाए, क्योंकि दिक्कत परेशानी जब पड़ जाती है ना गाइस तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरी फैमिली की होती है, क्योंकि हर बंदा परेशान होता है, हम भी कल से जब से पता लगा ना कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करना, तब से हम सब बहुत परेशान थे, तो इस करके आज किसी ने ब्लॉग नहीं डाला, भाभी ने नहीं डाला, हमने भी नहीं डाला, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का ना, तो इस करके तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।